तो वही ट्रैवल ब्लॉग्स के बीच में हमने सोचा एक बार फिर से अपनी सीरीज़ पे वापस लौटा जाए। हम लोग फिर से एक बार आ चुके हैं फूड सीरीज़, अपना स्ट्रीट फूड कवर करने के लिए। श्याम नगर के एरिया में हम आए हैं आज, श्याम नगर चौराहे पे आए हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको कितनी बार भी दिखा चुके हैं वो हर बार कम रहता है, क्योंकि ये हर बार कुछ ना कुछ नया ले आते हैं। हम बात कर रहे हैं भाई चटोरी मैगी पॉइंट की। ये देख लो, ये चटोरी मैगी पॉइंट है जहाँ पे हर बार एक से एक नई नई चीज़ें बढ़ती जाती हैं। कुछ चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस हुई थी तो हमने सोचा वो भी आपको दिखाई जाए। पहली बात तो देख लो, पनीर के जो मोमोज़ हैं वो 40 के 10 हैं, ठीक है। वेज मोमोज़ जो है वो 30 के 14 हैं। उसके साथ साथ बटर ग्रेवी मोमोज़ हैं, चीज़ ग्रेवी मोमोज़ हैं, तंदूरी मोमोज़ हैं और कुरकुरे मोमोज़ तो है ही है। इसके साथ इनका नाम जो है चटोरी मैगी पॉइंट की मैगियाँ लगी हुई हैं लाइन से। इसके साथ इनके पास जो मैगियाँ मिलती हैं देख लो, बटर मैगी, चीज़ मैगी, सेजवान मैगी, पनीर मैगी, प्लेन मैगी, मशरूम मैगी और चटोरी स्पेशल मैगी तो मिलती ही मिलती है। के हैं काउंटर पे आ चुके हैं चटोरी मैगी पॉइंट के। और चटोरी मैगी पॉइंट जैसे पहले सजा धजा था उस तरह से अब भी सजा धजा है। एक तरफ कुरकुरे मोमोज़ हैं, एक तरफ स्प्रिंग रोल हैं, एक तरफ फिंगर चिप्स हैं, एक तरफ हमारे सूरज भैया, एक तरफ हैप्पी भैया हैं। तो सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी, लेकिन हर बार एक नया अंदाज होता है, नया स्टाइल होता है भैया लोग का। तो आज भैया लोग, सूरज भाई कैसे हो? ठीक है, ठीक है। तो सूरज भाई ये बताओ, यहाँ का कुछ टाइमिंग वाइमिंग बदला या कोई प्रोडक्ट बदला कुछ बताएंगे? कुछ अपडेट किया है? कुछ नहीं बदला है, 5 बजे से 11 बजे तक रहते हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ें अपडेट करी हमने सुना आपने? नहीं, हाँ कुछ हैं, 2-4 चीज़ें अपडेट करी हैं। नाम बताते हैं उनके, 2-4 चीज़ों के। पास्ता हो गया, फ्राई राइस हो गया, हाँ, और मंचूरियन हो गया, ग्रेवी मोमोज है, भूटानी मोमोज है, तंदूरी मोमोज है। अच्छा, मोमोज भी इतने तरीके के हैं, पास्ता भी है। तो अभी अभी क्या बनाने जा रहे हो भाई? ग्रेवी चीज़ मोमोज बनाने जा रहे हैं। ग्रेवी चीज़ मोमोज, तो भाई आ जाओ, ग्रेवी चीज़ मोमोज की आपको मेकिंग दिखा देते हैं। क्यों सूरज भाई फटाफट बात करते जा रहे हैं और बिजी काफ़ी ज़्यादा हैं, इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो बनाने जा रहे हैं वो चीज़ बनते हुए आपको दिखाते जाएंगे, ठीक है। उस कढ़ाई में पड़ते रहते हैं मोमोज के फ्राई होने वाले आइटम, मोमोज फ्राई होता रहता है, प्लस चाहे स्प्रिंग रोल आपको चाहिए, चाहे आपको फिंगर चिप चाहिए, वो सब उस कढ़ाई से मिलता है। अच्छा सूरज भाई, अभी अपने स्प्रिंग रोल का और फिंगर चिप्स का प्राइस क्या चल रहा है? सेम 10 रुपये का रोल है, 10 रुपये का रोल, फिंगर चिप 30 रुपये का है। भाई देख लो, अब इस समय में स्प्रिंग रोल 10 रुपये का आपको नहीं दे रहा होगा कोई, लेकिन यहाँ पर वही रेट चल रहा है, क्योंकि ये भैया स्कूल वालों से जुड़े हैं, मतलब स्कूल से जुड़े हैं, स्कूल के बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर आते हैं, तो इसलिए भैया लोग ने रेट कोई बढ़ाया नहीं है, सब वही रेट है, ठीक है। और अभी हमारा जो मोमोज बन रहा है चीज़ ग्रेवी, उसके लिए मोमो फ्राई हो रहा है कढ़ाई में, पास से देखो, कढ़ाई में फ्राई होता हुआ मोमोज, ठीक है। ये आ जाओ, वापस आ जाओ, थोड़ा सा फ्राई हो चुका है। उधर काउंटर आपका चल रहा है स्टीम मोमोज का, कढ़ाई में आ गया ऑयल, देख लो। कढ़ाई में ऑयल आने के बाद अभी इनका जो स्पेशल सा फेमस सा तड़का है वो लगेगा, फायर वाला। चाहे आप यहाँ पे फायर मैगी खाओ, चाहे फायर मोमोज खाओ, कई सारी वैरायटी होती है, लेकिन तड़का जो होता है वो फायर वाला होता ही होता है। ये देखो, लुक एट दिस, फायर का तड़का। ये तड़का दिखाने के लिए हम यहाँ पे कई बार आए हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे चाहे चीज़ें जितनी अपडेट होती जाए लेकिन उनमें तड़का फायर वाला ही लगता रहेगा। हमको तो यही लगता है ना सूरज भाई, क्या लगता है? चाहे जितनी चीज़ें बढ़ा दो तड़का तो लगाओगे फायर वाला, बिना फायर के मज़ा ही नहीं है। इनको पुष्पा भाव हो गए भाई हमारे। देखो अब मोमोज आ गए हैं, थोड़ी सी वेजिटेबल्स आ गई हैं, हमको लग रहा इसमें टमाटर है, शिमला मिर्च है, प्याज है और फ्राई मोमोज है। सारी चीज़ें देख ली मैंने। और इसमें आ गई थोड़ी सी चटनी, सेजवान चटनी और थोड़ा सा मैगी मसाला। भाई स्पेशल था इनका जो जाता है हमेशा वो जाएगा, और भी कई मसाले जाते हैं इनके सीक्रेट वाले। अगर आपको इसका स्वाद जानना है तो आपको आना ही पड़ेगा यहाँ पे। कहाँ पे आना पड़ेगा? श्याम नगर में चटोरी मैगी पॉइंट पे आना पड़ेगा। ये देखो थोड़ी सी चटनी और थोड़ा सा कम करो, 1 एक्स्ट्रा। ये आ गया क्या भाई? लिक्विड चीज़ मेयोनीज, लिक्विड चीज़ भी आ गया और मेयोनीज भी आ गया है ना, दोनों चीज़ें आ गई हैं। इसी से हमको लग रहा है थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर बनेगा, जो आपके ग्रेवी मोमोज को एकदम क्रीमीनेस देगा। हाँ गजब, मैंने करो इसमें थोड़ा सा अमूल क्रीम, बहुत फ्रेश वाली, फ्रेश अमूल क्रीम जरूर डालते हैं भाई,
क्योंकि क्वालिटी में और क्वांटिटी में कभी ये कोताही नहीं बरतते। अच्छी क्वालिटी और अमूल क्रीम के साथ अमूल बटर भी जा रहा है। वही बताया ना मैंने कि अच्छी क्वालिटी ही देते हैं, तभी लोग इनके पास वापस लौट लौट के आते हैं और इनका खाना पसंद करते हैं काफ़ी, जिस तरह इसके लिए हम भी आते हैं ज़्यादातर। मोस्ट आने लग गया ट्रे में, देखो ठीक है ये। तो भाई ये हाफ और फुल भी होता है? हाँ। क्या प्राइसिंग होते हैं इनके? हाफ 40 का, फुल 80 का है। फुल 80 का है, ठीक है। तो ये अभी इसमें और भी चीज़ें होने वाली हैं। ऊपर से आ गया भाई, थोड़ा सा पनीर आ गया है। अब क्या आएगा देखते जाओ, थोड़ा सा अमूल मक्खन। और ये कंप्लीट क्रीम जानी है तब कंप्लीट होगा। ये भैया के लिए ये गया, भैया लोग कैचअप, ठीक है। और थोड़ी सी अमूल क्रीम और आई और ये कंप्लीट लग रहा है हमको, थोड़ा सा मसाला के साथ। ये देखिए, ये हमारी प्लेट आ गई। देख, हमारा जो चीज़ ग्रेवी मोमोज है वो कंप्लीट होकर के आ चुका है, ठीक है। वो भी चटोरी मैगी पॉइंट पे, यहाँ पे, क्योंकि भाई काफ़ी तगड़े तरीके से अमूल क्रीम, अमूल मक्खन, पनीर, हर चीज़ का काफ़ी बढ़िया क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ना ज़्यादा और ना कम, बराबर क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। तो आप आइए इसको खाते हैं। स्वाद आपको बता तो चुके हैं कई बार, लेकिन हम स्वाद लेने खुद ही आ जाते हैं। ये देखो, ये ग्रेवी देख रहे हो, जैसा भैया ने ग्रेवी कहा है ना, वैसी ग्रेवी काफ़ी गजब की बना के दी है। भाई जो मोमो है वो सोयाबीन का है, वेजिटेबल का है, ठीक है। और फ्राइड मोमोज है, उसको फ्राई करने के बाद बढ़िया से मैरिनेट करके बनाया ग्रेवी मोमोज। भाई हमें तो मज़ा आ गया याला मोमोज खा के। इस मोमोज साथ यहाँ भैया को सजेस्ट करके जाएंगे कि रुमाली रोटी भी अगर हो जाए तो मज़ा आ जाए। नाश्ता है लेकिन इसको अगर हम पैक करा के ले जाएंगे सब्जी तरह भी आराम से खा सकते हैं, तो मज़ा आ गया खा के। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा, अगर आप कानपुर के रहने वाले हो या भैया कभी भी भविष्य में कानपुर आने वाले हो, क्या करिए, जब भी कानपुर में श्याम नगर चौराहे पे आइए, ये जो पेट्रोल पम्प पड़ता है इसके जस्ट सामने ये हैं चटोरी मैगी पॉइंट, जहाँ पे आपको मिलती है मैगी की बेहतरीन सी बहुत सारी वैरायटी, मोमोज़ की, कुरकुरे मोमोज़ की, स्टीम मोमोज़ की बहुत सारी वैरायटी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो वीडियो बाय वीडियो आता रहेगा। तो भाई यहाँ पर आइए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, इन्जॉय करिए और भैया पैक करिए, घर पर खाइए। और भाई वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए, अपने दोस्तों शेयर करिए, कमेंट करिए और यूं ही मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।